हेलो दोस्तों, सलाम नमस्ते सत श्री अकाल। मैं हूं आपका फेवरेट एंटरटेनिंग यूट्यूबर रिस्क गेमर। स्वागत है आपके भाई की एक और नई वीडियो पे। एक और नई सीरीज है, वो है रिस्क की पाठशाला। इस सीरीज में आपको मिलेंगे पूरे ट्यूटोरियल वीडियोस, वो भी एंटरटेनमेंट के साथ। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कैसे लोडआउट को अपग्रेड करें अटैचमेंट के साथ में, और कैसे अपने गन्स को अपग्रेड करें टीडीएम मोड में, नए टीडीएम मोड में। पिछले वाले वीडियो में हमने देखा था कि हाउ टू चेंज गन्स इन टीडीएम मोड, ठीक है। और ये सीरीज में बात कर रहे हैं। क्या है यार भाई, और बोल रहे हैं बात करो तुम गाने लगा रहे। बात करो, इम्पोर्टेंट बात है पाशा भाई, ऐसा नको करो, ठीक है। गाने हर हमेशा नहीं होते, आने जब टाइम आए जब लगाना पड़ता है, ठीक है। तो वो बात करने दो मेरे को। क्या यार भाई, तो इस वीडियो में बात कर पिछले वीडियो में बात किया था कि टीडीएम मोड पे गन कैसे सेलेक्ट करें, और इस वाले वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि वो गन्स को हम कैसे अपग्रेड करें विद अटैचमेंट के साथ में, ठीक है। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। फिर शुरू करने से पहले कुछ इंट्रो तो होना चाहिए, लगाओ पाशा भाई। क्या गाना लगाया पाशा भाई, जबरदस्त एकदम, मजा आया, ठीक है। तो दोस्तों चलो शुरू करते हैं। अभी जो हम अपग्रेड करेंगे अपने वेपन्स को, अपने गन्स को जो टीडीएम मोड में यूज करते हैं, तो हम यहाँ पे आना चाहिए वीबी ग्राउंड, और लोडआउट यहाँ पे रहेगा, और टीडीएम का लोडआउट, लोडआउट पे क्लिक करने का, और अपने जो भी मतलब आपने देखा होगा, अगर आपका ईवो लेवल अगर 40 के ऊपर नहीं होगा तो सिर्फ एक ही रहेगा। जितना आप लेवल बढ़ेगा ईवो लेवल पे, तो ये सब ओपन होंगे, चार चार स्लॉट्स ओपन होंगे आपको। तो फर्स्ट स्लॉट मेरा ग्रोजा है फर्स्ट स्लॉट पे। तो इसकी अटैचमेंट देखते हैं। देखो इसकी अटैचमेंट्स मुझे मिले हैं सिर्फ और सिर्फ ये वाला, ठीक है। न्यू मुझे पहला जब खेलते हैं तो शुरुआत करते हैं तो गन का, तो मिलता है सिर्फ होलोग्राफ मिलता है आपको। तो इसको अपग्रेड कैसे होगा, तो जैसा जिसमें जब आप जैसे जैसे खेलोगे इसमें, ये मतलब रोजा लेके खेल रहे हो, तो आप जितने किल्स करोगे कितने सब करोगे, तो यहाँ पे देखना आपको इस तरफ यहाँ पे ऊपर दिखेगा आपको लेवल 6 है, मेरा लेवल 6 है। तो सेलेक्ट करो, देखो मेरा क्या क्या अनलॉक हुआ है लेवल 6 पे। मेरा लेवल 2 पे अनलॉक हुआ है रेड डॉट पिक ड्रा है, और 4x भी अनलॉक हुआ मेरा, एक्सनेट भी अनलॉक हुआ, और 3x भी अनलॉक हुआ। तो मैं ये सब चीज़ मैंने खेल के, क्योंकि मैं ग्रोजा ओपी है भाई, तो ग्रोजा लूँगा मैं ऑब्वियसली, और तो ग्रोजा में मुझे ये सारे चीज़ ओपन हुए हैं। देखो लेवल 6 पूरे इसमें होते हैं लेवल 10, ठीक है। मेरा अभी जो स्कोर है लेवल 6 में हो, यहाँ पे देखना लेवल 6 में हो 379 का स्कोर है, 720 चाहिए, 720 अगर हो जाएगा तो पूरे अनलॉक हो जाएंगे, क्विक ड्रॉ एक्सटेंडेड सप्रेसर 2x वगैरह हर चीज़ अनलॉक हो जाएंगे। फॉर सपोज अब देखो मैं M24 से भी खेलता हूँ, तो M24 का लेवल है मेरा लेवल 7 है भाई ओपी। मेरा लेवल 7 में क्या क्या ओपन हुआ है, एक रेड डॉट ओपन हुआ है, फ्लैश हेडर, होलो, क्विक ड्रॉ, 2x, किक पैड। लेवल 8 पे मेरा अपग्रेड होगा 8x, ये देखो 374। लेवल 8 के लिए कितने पॉइंट्स चाहिए, जितना लेवल 8 के लिए पॉइंट्स चाहिए तो 374 पॉइंट्स है, 640 पे पूरे अनलॉक लेंगे, क्विक ड्रा एक्सटेंडेड सप्रेसर एक्सटेंडेड में क्विक ड्रा 6x 3x सब चीज अपग्रेड होंगे M24 के। फॉर सपोज मैंने बैरिल मैंने ज्यादा नहीं चलाई है, लेवल 1 पे ही हूँ मैं अभी, इस पे देखना ओनली बस स्किल्स बहुत कम किया। देखो M24 की किल देखना, 130 किल किया हूँ मैं M24 के साथ में, हमारा भाई आजकल स्नाइपिंग कर रहे हैं, समझ रहे हैं ना आप लोग। तो और क्या है, ग्रोजा का देखो, ग्रोजा कितने किल्स किया मैंने, ग्रोजा के किल्स किया 165 भाई साहब, M24 से 135 130 किल्स किया। तो ऐसे जितना आप करोगे
उतना अनलॉक होंगे, ठीक है। तो अभी एक क्यूब हो गया ना, तो मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आपको फॉर एग्जांपल कहाँ कहाँ से आपको पॉइंट, कितने पॉइंट्स मिल रहे हैं, कितने पॉइंट्स हर एक टीडीएम पे आप गन के साथ में मिल रहे हैं, वो आपको दिखेगा। मैं आपको वो चीज़ बताता हूँ। अब हमें खेलते एक टीडीएम धमाकेदार M24 के साथ, मौत डालते। उसके बाद ही बताऊंगा आपको पॉइंट्स कितने मिल रहे हैं, ठीक है। Some nice long hair, and you know that she's a bad chick. All the boys there can't help it, it's a habit. Clothes that she wears, short skirt and a jacket. Oh, yeah. I just wanna get her all alone on a mattress. I just wanna have it, I just gotta have it. Who's gonna find me? Your body is fantastic. All natural, not a piece of rose. They say that she's a latch. Yeah, the whispers all around say she has a reputation. Don't believe it till I see it, so I want a demonstration. And I've always learned it better with a hands-on education. So I need a private session if you get what I am saying. Oh, bye! No, she's really complicated, but that only makes it better. And it's got me so excited, and I'm not the type to wait around. I've never hesitated, but she's got me captivated. So the game I'm gonna play, yeah. तो दोस्तों एक्सपीरियंस देखो, एक्सपीरियंस और पॉइंट्स मैटर करते हैं यहाँ पे। ये देखो भाई, यहाँ पे हमको मिले हैं 570 पॉइंट्स, टू प्लस एक्सपीरियंस 2.2204 ऐड हुआ है मुझे, ठीक है। तो इस यहाँ पे जो है ना पॉइंट्स जो है ना ऐड होते हैं हर मैच के बाद में। आपके गन जो भी गन यूज करते हो, तो आपके गन जो भी यूज करते हो, तो ऐसे ये पॉइंट्स ऐड होते हैं, तो उससे अपना लेवल बढ़ता है। और देखो मेरा 600 पे और भी अटैचमेंट ओपन हुआ होगा, तो लेवल बढ़ता है। उसके बाद में आप यूज कर सकते हो वो वाले अटैचमेंट्स अपने गन पे। 139 किल्स हो गए मेरे, 9 किल किया मैंने इसमें 578 640 पे, और 640 पे मुझे अपग्रेड ओपन होगा 8x बाय 8x बॉम्ब 6x एक्सनेट मैग 3x सप्रेसर एक्सनेट फिल्ट्रा, ये सब चीज मिलेंगे लेवल 14 तक। तो कितना खेलोगे आप उतना मजा आएगा, और गन की पावर बढ़ाओगे और गन की स्टेबिलिटी बढ़ाओगे आप। तो खेलते रहना, और बहुत एक्सपीरियंस मैटर करता है टीडीएम खेलने पर, क्योंकि आप क्लासिक में भी जाओगे तो मतलब सीधा आपको अटैचमेंट्स नहीं मिलेंगे। आप जितना खेलते हो मतलब वैसे तो आपको गन चलाने की आदत होती है, ठीक है। तो आप खेलना अच्छे से टीडीएम एवरी डे, तो थोड़ा एक्सपीरियंस भी गेन होगा, आपका लेवल भी बढ़ेगा, तो अटैचमेंट भी अपग्रेड होंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो ऐसे वाले वीडियोस के लिए आप जरूर सब्सक्राइब करना मत भूलना, और लाइक करना जरूर से। इस वाले वीडियो पे लाइक एम करता हूँ, 100 लाइक्स मैं एम करता हूँ, देखते हैं 100 लाइक्स पूरे होंगे ना। बड़ी बात नहीं है यार, आप लोग कर दोगे मुझे पता है, बस आप करना चाहिए 100 लाइक्स। तो मिलते हैं फिर अगली बारी रिस्क की पाठशाला की वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, खुदा हाफिज़।